दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया। इसमें हजारों की संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर आसमान से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील इलाकों में नजर रखी गई। इसके अलावा इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किए गए। जिस इलाके में पहले हिंसा हुई थी, उस इलाके के लोगों को गली से बाहर निकलने से मना किया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से इस बार शोभा यात्रा का रूट छोटा रखा गया और दंगों के मद्देनजर कई हिंदू नेताओं को भी पुलिस द्वारा नज़रबंद किया गया। हालांकि रूट छोटा होने के कारण जहांगीर पुलिस थाने के पास ही यात्रा को रोक दिया गया, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश का माहौल भी साफ दिखाई दिया। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और मनाते रहेंगे श्री राम की कृपा से। कुछ टाइम से हमारी यात्रा को रोका गया, इस बार भी प्रशासन का नियोजन यही है कि वो हमारे को आगे जाकर कहीं बैरिकेड पे रोक देंगे, लेकिन हम राम भक्त इस बार रुकने वाले नहीं हैं किसी भी तरीके से, और अपनी अधूरी यात्रा को हम पूरा करके छोड़ेंगे इस साल में। हमारे लिए ही प्रतिबंध क्यों है, हम ही क्या इस देश में रहते हैं, हम क्या भारतवासी नहीं है, हम क्या पाकिस्तान में रहते हैं, हम क्या किसी इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, जो हमारे ही आराध्य के लिए हमारी शोभा यात्रा को रोका जाता है। इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं और अपनी यात्रा को जो अधूरी है वो पूरी करके छोड़ेंगे। उत्साह बहुत अच्छा है, उत्साह हर हिंदुत्व के अंदर है, हिंदू के अंदर बहुत कूट कूट का उत्साह है। हमारे केंद्र में जो नेता बैठे इस टाइम, उन्होंने जो हिंदुत्व जगाया है वो ऐसा हिंदुत्व अपनी 40 साल 45 साल की उम्र में मैंने देखा ही नहीं, जो हिंदू इस टाइम जागा हुआ है। मैं राम जी से अनुरोध करता हूँ उनके ऊपर ऐसी कृपा बनाए रखे और यह जो उत्साह है ये हमेशा उनके दिलों में जागता रहे। ये पिछले कई वर्षों से जहांगीरपुरी के अंदर श्री हनुमान जी के जन्म महोत्सव पर बहुत ही जोश और खरोश के साथ ये नौजवान और पूरी जहांगीरपुरी का जनसैलाब उमड़ करके यात्रा मनाता है। जैसे कि दो वर्ष पूर्व घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस ने जबरन इस यात्रा को सीमित कर दिया है 200 मीटर के अंदर। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत देश जो कि श्री राम का देश है, यहाँ पर हनुमान जी की जो शोभा यात्रा है उसको जिस तरीके से पुलिस ने रोका है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि चाहिए था कि पुलिस बल यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाती और यात्रा को संपूर्ण एरिया के अंदर निकलने देती, उसका मजा ही कुछ और था। गाँव में बहुत जोश भी है, आक्रोश भी है, और अपने गुस्से को मन में दबाकर वो कानून व्यवस्था को बनाए रख करके पुलिस की बात को मानकर, कानून की बात मानकर आप देख रहे हैं कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जयकारा लगा रहे हैं, जोर शोर से जयकारा लगा रहे हैं, ये उनके जोश की पहचान है। और यहाँ भारी जनसैलाब जो उमड़ा है ये इस बात का प्रमाण है कि ये लोग पूरी हनुमान भक्ति में लीन हैं और ये यात्रा को आगे निकालना चाहते हैं, परंतु पुलिस जो इसे सीमित कर रही है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण।